अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानब से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहना चाहूंगी। मैं मारिया सुहेल माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज अ काउंसलर अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ, और मेरे साथ ही मौजूद हैं राना इमरान, जो कि लाहौर में MRC लाहौर में एज अ काउंसलर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MRC हर दफ़ा एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आपके लिए आता है। आज जरा हमारा लाइव सेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा आज का जो लाइव सेशन है वो मबनी है जो रीसेंट अभी एक वाकया हुआ है, इलीगल माइग्रेशन का, इरेगुलर माइग्रेशन का। एक इटली जाते हुए जो बोट डूब गई, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोग उसमें डूब कर अपनी जान से हाथ धो बैठे, उस टॉपिक को लेकर हमने आज का लाइव सेशन रखा है। और आज का जो लाइव सेशन का टॉपिक है वो है रिस्क एंड डेंजर एसोसिएटेड विद ह्यूमन माइग्रेशन या इरेगुलर माइग्रेशन या ह्यूमन स्मगलिंग, जो कि हो रही है और एक बहुत बड़ा एक अलमिया है और एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो कि रिसेंटली हुआ, उस पर हम बात करेंगे। उसकी क्या वजूहात हैं और वो क्यों हुआ और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, आज के टॉपिक पे, आज के लाइव सेशन में इस टॉपिक पर बात होगी। इमरान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें, एंड देन फिर हम वन बाय वन जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो इस डिस्कशंस में होंगे वो हम सामने रखेंगे अपनी ऑडियंस के। जी थैंक यू सो मच मारिया। सबसे पहले जो है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ, जिस तरह आपने शेयर किया कि आज का हमारा जो मकसद है वो पाकिस्तान से जो बच्चे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में और बहल फिसल के जो है वो यूरोप के सुहाने ख्वाब जो है वो अपनी आंखों में सजा के जो है वो बेहतर रोजगार की गर्ज से जो है वो बैरून मुल्क सफर करते हैं, लेकिन मालूमात ना होने की वजह से या मालूमात कम होने की वजह से लोगों के जो है वो झांसे में आके जो है वो चले जाते हैं। ये जिस वाक्या की आपने अभी जो रिसेंट वाक्या हुआ है, जिसमें कश्ती में जो है वो इटली के साहिल के करीब जो है वो कश्ती में जो है वो लोगों की जानें गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, ये कोई पहला वाक्या नहीं है। इससे पहले भी जो है वो बहुत से वाक्यात ऐसे रूनुमा हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों की जानों का ज़िया हुआ है, लेकिन जो है वो लोग जो है वो एक वक्त के साथ जो है वो इन वाक्यात के ऊपर जब धूल जमती है तो जो ह्यूमन स्मगलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो लोगों को दोबारा से नए सिरे से नई टेक्निक्स के साथ जो है वो लोगों को बहला फिसला के अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेके तो वो दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए सबसे जो ज़रूरी अमर है वो ज़रूरी बात यही है कि लोगों के पास चूंकि मालूमात की कमी है और या तो मालूमात बिल्कुल नहीं है, अगर हैं भी तो वो बहुत थोड़ी सी लिमिटेड सी मालूमात हैं, जिसकी वजह से वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। और इसलिए लोगों को सबसे पहले ज़रूरी है कि ये पता हो कि कानूनी तरीका कार क्या है, गैर कानूनी तरीका कार क्या है, क्योंकि आम सतह जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो लोगों के जहन में ये बात बिठा दी गई है कि बस आप एक दफा पहुंच जाएं, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, पहुंचना मकसद है, आप किसी भी तरीके से चले जाएं, जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहुंचना मकसद नहीं है, बल्कि जो बंदा रोजगार कमाने के घर से जा रहा है तो उसका मकसद है कि वहां पे पहुंच के बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाना। वो कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, वो आगे चल के इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हम बात इंशाल्लाह आज के इस सेशन में करेंगे। बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेयर अबाउट लॉस ऑफ लाइफ। इसमें जो इलीगल माइग्रेशन में जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो लोगों की जिंदगियों का हो रहा है। लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं, और हमारी दुआएं उन तमाम उन लोगों के प्यारों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। MRC की तरफ से इसको माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानब से हम इसी अजम के साथ काम कर रहे हैं कि इसको रोका जा सके। इसीलिए आज का टॉपिक भी हमने रखा है। तो और इसमें डेफिनेटली ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि अगर आप इलीगल माइग्रेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके क्या नुकसान हैं,
और आप लीगल माइग्रेशन कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी जो रूट कॉज है वो मैं चाहूंगी इमरान आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और मैं भी उस पर डिटेल में ऐड करूंगी कि पहले तो ये बताएं कि क्यों लोग ऑप्ट करते हैं इलीगल माइग्रेशन का रूट, हालांकि उनके पास मौजूद है लीगल माइग्रेशन का वे और वो उससे जा सकते हैं। और हमारे बहुत से पाकिस्तानी तकरीबन 11 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वो लीगली दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं। जब वो कर रहे हैं तो वाई नॉट द अदर पाकिस्तानीज जो कि इलीगल रूट अपना रहे हैं, तो इस रीजन को जरा हाईलाइट करें कि क्यों लोग ये रास्ता अपनाते हैं। जी बिल्कुल मारिया, आपने बिल्कुल दरुस्त फरमाया है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेशन को ऑप्ट करते हैं, जिनकी वजह से लोग जो है वो जाना चाहते हैं। उसमें कुछ पुल फैक्टर्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, जिसमें जो है कि यहाँ पे जो है वो मौके की कमी है और उसमें जो है वो बेहतर रोजगार नहीं है, कम पैसे कमाए जाते हैं, जो है वो इस तरह की मजबूरियां हैं। लेकिन इसके साथ साथ मजबूरियों के साथ साथ कुछ इंस्पिरेशंस भी हैं, कुछ अट्रैक्शंस भी हैं, कुछ पुल फैक्टर्स भी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो बैरून मुल्क जाके जो है वो बेहतर रोजगार कमा सकते हैं, वहाँ पे जाके ज्यादा उजरत मिलती है, ज्यादा नौकरियां हैं, ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, वहाँ पे रोजगार के लामहदूद ज़राए हैं, आपको बहुत आसानी से जो है वो काम मिल सकता है और सबसे रेमिटेंसेस की सूरत में जो है वो ज़र मुबादला की जो है वो बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है कि वहाँ से अगर आप थोड़े पैसे भेज दें तो पाकिस्तान में जब वो कन्वर्जन में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे बेहतर हालात ज़िंदगी हैं, बेहतर तिबी सहूलियात मुयसर हैं, वहाँ पे तालीम का जो है वो निज़ाम बहुत अच्छा है, बेहतर एजुकेशन है, और इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे जो है जब वो पैसे को ज़्यादा कमा के पैसे भेजेगा तो यहाँ पे जब उनके हालात बेहतर होंगे तो मुआशरे में जो है वो उनका मुकाम जो है वो बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, फैमिली। और यहाँ पे अब ये भी देखा जाता है कि सिर्फ लोग जो है वो रोज़गार कमाने की गर्ज़ नहीं जा रहे बल्कि फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी जा रहे हैं, जो है वो इसके साथ साथ स्टडी के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी ज्यादातर आवाम जा रही है वो रोजगार कमाने की गर्ज़ से जा रही है, और उसके पीछे यही फैक्टर्स हैं। और फिर जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा मारिया मेरी बात लंबी हो जाएगी कि यहाँ पे लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। ह्यूमन स्मगलिंग में जो है वो लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क बगैर किसी दस्तावेजात के, जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है जिसका मकसद जो है वो अर्निंग है, पैसे कमाना है, जिसके पीछे जो है वो लोगों को जो है जो बंदा जा रहा है उसकी कॉन्सेंट शामिल होती है, उसकी मर्जी के साथ उसको जो है वो गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर जो है वो क्रॉस करवाया जाता है। जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इंटरनल भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी बंदा किसी को अगवा करके या अगर उसको जो है वो उसकी पहले तो उसकी कॉन्सेंट शामिल थी, वो ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार था, लेकिन जब वो बॉर्डर के ऊपर चला गया वहां पे जो है उसको जो है वो हबसे बिजा में रख के उससे पैसे की डिमांड की गई या उसके साथ तशद्दुद किया गया तो वो ह्यूमन स्मगलिंग का केस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जो है वो बदल जाता है। और ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग जो है वो जब जा रहे होते हैं अपनी मर्जी के साथ जा रहे होते हैं गैर कानूनी तरीके से तो वो ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन वहां पर जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो फर्क है ये लोगों को पता होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो लोगों के पास मालूमात, जो मैंने पहले बात किया कि लोगों के पास मालूमात की कमी है कि बहुत सारे रोजगार के मौके मौजूद भी हैं जिसके ऊपर आगे चल के हम बात भी करेंगे, बहुत सारे मौके मौजूद भी हैं, लीगल ऑप्शंस भी हमारे पास, लीगल प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि लोग के पास मालूमात नहीं है और वो सिर्फ देखा देखी और सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करने के बाद जो है वो ये रास्ता ऑप्ट करते हैं और वो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने माल जान दोनों से हाथ धो बैठते हैं और अपना जो है वो नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल, देखें इसमें जब हम माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की टीम की जानिब से जब हम फील्ड में जाते हैं, कम्युनिटी में सेशंस करते हैं, तो एक चीज ऑब्जर्व बीइंग अ काउंसलर मैंने भी की है वो ये है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी तो है ही,
लेकिन अब कुछ लोगों को अब ये इतना इन्फॉर्मेशन है कि रिस्क है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एक रिसेंट वाकया हुआ है ये इटली में जो बोट डूब उसका जो वाकया रिसेंट हुआ, उसमें ये एक वीडियो भी सामने देखने को आई कि उस जो पर्सन बाहर जा रहा था, जो डंकी लगा रहा था, उसने अपनी मदर को ये कहा कि या तो मैं कार में आऊंगा या मैं अखबार में आऊंगा। दैट क्लियरली क्लैरिफाई द सिचुएशन के लोगों को ये रिस्क एंड डेंजर्स का अंदाजा है, लेकिन अभी भी उनको जो कहानी है उसका आधा हिस्सा मालूम है। ठीक है कि वो जानते हैं कि रिस्क है, लेकिन वो फिर भी ये रिस्क लेने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इमरान ने बताया कि वो एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं, एजेंट्स उन्हें सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं, एजेंट्स उन्हें इस तरह से ट्रैप करते हैं कि वो उस पर यकीन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजेंट्स जो हैं वो उनको ये बताते हैं कि जी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर लाखों रुपए आप महीने में कमाकर अपने घर वालों को भेज देंगे, और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। जबकि इस तरह ये सच बिल्कुल इस सच्चाई इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उलट है। वहां पर जाकर अगर आप पहुंच भी जाते हैं खैरियत से, तो वहां पर आपका स्टेटस इलीगल माइग्रेंट का है। वहां पर आप ना तो प्रॉपर वेजेस आपको मिल सकती हैं, ना आपको मुकम्मल हकूक आपके मिल सकते हैं, और ना ही आपका सफर वहां पर पहुंचने का महफूज है। और बेसिकली ये तो एक है कि डेफिनेटली ये भी एक मिथ मैं जरूर यहाँ पर हाईलाइट करूंगी कि एजेंट्स जो हैं उन्होंने इस मिसकंसेप्शन को बहुत प्रमोट किया है, और वो ये कहते हैं कि जी लीगल माइग्रेशन बहुत महंगी है और जो इलीगल माइग्रेशन है वो बहुत सस्ती है, जबकि ये बिल्कुल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इलीगल माइग्रेशन हमेशा से महंगी है। सबसे महंगी चीज़ तो उसमें ही है कि उसमें ह्यूमन कॉस्ट, एक इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहा है और अपनी ज़िंदगी को खो रहा है, अपने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। सबसे कीमती चीज़ तो यही है। तो इसमें कुछ बताएं इमरान के, ये तो मैंने आपको एक मिथ बताया है, एक चीज़ बताई है जो कि एजेंट्स ने बहुत प्रमोट की है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो एजेंट्स लोगों को बताते हैं और एजेंट्स की बातों में लोग आराम से आ जाते हैं, उन बातों को ज़रा हाईलाइट कीजिए। जी बिल्कुल मरियम, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो मैंने बात पहले की थी कि वक्त के साथ साथ जो है ना ये वाकयात जो है वो धुंधले होते हैं, जब ये धुंधले वाकयात के ऊपर वो फिर दोबारा से वो मिथ्स को लेके आते हैं, जिस तरह अभी रिसेंट वाकया में जो है वो अगर हम देखें तो लोगों को ये कहा गया था जी कि ये बड़ा जहाज होगा, बड़ा आरामदेह है, यहाँ पे जो है वो आपको सारी चीजें अंदर मिलेंगी, जहाज अब पहले तो कश्तियों में जाते थे तो कश्तियां उलट जाती थी, अब कश्ती कोई नहीं आई, अब बड़ा जहाज होगा तो जहाज के उलटने के जो है ना वो चांसेस बहुत कम है, और दूसरे नंबर पे पहले जो रूट इस्तेमाल करते थे अब हम उस रूट से नहीं लेके जाएंगे, यह नया रूट है और यहाँ पे जो है वो आपको आसानी से जो है वो दाखिला मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये कही जाती है कि देखें वहाँ पे जो है वो लोगों की ज़रूरत है, और वहाँ पे तो जो है वो नौजवान लोगों की कमी हो गई है जिसकी वजह से उन लोगों को ज़रूरत है, और वो इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद ये है कि जो भी मौके आते हैं, जिस तरह न्यू ईयर आता है या कोई भी ईस्टर आता है या इस तरह के कोई भी उनके डेज आते हैं, तो उन डेज के ऊपर जो है ना वो अपने बॉर्डर के ऊपर नरमी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम आप लोगों को आसानी से जो है वो बॉर्डर पार करा देते हैं। तो हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। उसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी चोर किसी के घर में घुसता है, वो दीवार फलांग के जाए या गेट के रस्ते से जाए, वो गैर कानूनी है। तो अगर वो किसी की नजर में आ जाता है तो उसके के लिए नुकसानदेह ही नुकसानदेह है, और बगैर कानूनी दस्तावेजात के चोरी किसी भी मुल्क की सरहद को पार करना या किसी मुल्क में दाखिल होना भी उस चोर की हैसियत ही है, गैर कानूनी है और वो एक जुर्म है। तो अगर कोई भी चीज नजरों में आ जाती है तो वो स्टेक पे है, वो रिस्क पे है, और वो कोई भी इस तरह का हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। तो इसलिए जो है वो इस तरह की जो लोग लोगों के साथ बातें करते हैं कि वहां पे जाके आप चूंकि यूथ की कमी है तो आप, ये बिल्कुल ठीक बात है कि वहां पे नौजवान लोगों की जरूरत है, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, जो हुनरमंद अफराद हैं, हुनरमंद लोगों की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारे लीगल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आगे चल के हम बात भी करेंगे, और लोगों को यहाँ पे जो चिकनी चुपड़ी सबसे बातें जो है वो समझाई जाती हैं कि, और हमें समझने की भी जरूरत है और हमारी आवाम को भी समझने की जरूरत है कि देखें पैसा हर चीज नहीं है, आपकी जान की कीमत सबसे ज्यादा है,
सबसे पहले आपने खुद को महफूज रखना है और उसके बाद आपने अपने जो माल असबाब हैं उनको जो है वो महफूज करना है, ताकि आप खुद भी महफूज रहें, आपके खानदान के लोग भी महफूज रहें। और अगर कोई भी बंदा जो है वो ये रास्ता इख्तियार करता है, तो उसको सबसे पहले तीन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये ख्याल करना है कि क्या मेरी जान इसमें महफूज है, मुझे कोई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मुझे जो है वो खतरा तो नहीं है। हालांकि गैर कानूनी तरीकाकार अख्तियार करने में हमेशा से ही खतरात रहे हैं और खतरात मौजूद भी हैं। जिस तरह आपने अभी बात की है कि रास्ते की तकालीफ तो जो मौजूद हैं ही हैं, अगर कोई बंदा पहुंच भी जाता है तो वहां पर पहुंचने के बाद भी उसके जो है वो मसाइल हल नहीं होते या उसकी जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि उसके ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वहां पे उसको जॉब नहीं मिलती, वहां पे काम नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो ब्लैक मार्केट के अंदर मिलता है, जिसमें उससे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, उसके साथ तशद्दुद किया जाता है, उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है, उसको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है जगह जगह पे, उसके जो है वो उसको धमकियां दी जाती हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं कि वहाँ पे जिनका सामना उनको उसको वहाँ की वेलफेयर स्टेट जो पॉलिसीज हैं उनसे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकता। अगर उसके साथ कोई मसला परेशानी आती है तो वो किसी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के पास, डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकता, मेडिकल फैसिलिटी से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकता। तो ये तो बातें है ही हैं, ये तो पहुँचने के बाद की बातें कि इनसे चीज़ें, लेकिन पहुँचने से पहले जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे में जो है वो चश्मपोशी जो है वो अख्तियार की जाती है। और जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो उनसे एक तो पैसा भी बटोरते हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो लोगों की जो है वो जानों के साथ खेलते भी हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली एक मूवी है हमने देखी है आजा मेक्सिको चलिए, तो उसमें जो कैची लाइन्स हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं कि जो उसको फोन आता है कि 20 लोग चले थे जिसमें से 4 पहुंच गए हैं और 16 रास्ते में उनकी डेथ हो गई है, तो उसने कहा कि आप 16 को छोड़ दें और उन 4 की बात करें। तो ये जो ह्यूमन स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो एक साइड दिखाते हैं, वो 4 की बात करते हैं, हालांकि जो अपर साइड है जिसमें 16 की डेथ हुई है, 16 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उसको जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। और इसी अमर की जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कानूनी तरीकाकार मौजूद है, जो कि नहायत आसान है, नहायत सस्ता है। जब हम ये बात अब कम्युनिटीज के अंदर या लोगों के साथ सेशंस में करते हैं तो लोग हमारी तरफ एक दफा देखते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये बात है कि कानूनी तरीकाकार तो बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल है, उसको तो पूरा ही नहीं किया जा सकता। हालांकि हरगिज ऐसा नहीं है, कानूनी तरीकाकार नहायत सस्ता और नहायत आसान है, लेकिन उस बंदे के पास लिए जिसके पास मालूमात मौजूद है और वो खुद प्रोसेस करे तो वो बहुत नहायत आसान है, और जिसके पास मालूमात नहीं है तो वो फिर जो है वो ह्यूमन स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर की जो है वो चिकनी चुपड़ी बातों में आके जो है वो खुद को खतरात में जो है वो डाल देते हैं। तो इसलिए हमें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो भी बंदा पाकिस्तान से जा रहा है या जाना चाहता है, वो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के साथ राबता करके अपने लिए मुफ्त जो है वो मालूमात जो कि मुस्तनद हैं, अथेंटिक हैं, वो मालूमात हासिल करे और फैसला साजी करते हुए अपने लिए एक बेहतर और मुफीद फैसला करे, ताकि वो खुद भी महफूज रहे, उसके खानदान के लोग भी महफूज रहे और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम भी महफूज रहे। बिल्कुल डेफिनेटली इमरान, बिल्कुल दिस इज वेरी पेनफुल कि आपने जो बताया है कि 16 लोगों की डेथ हो गई है और 4 लोगों के बारे में बात हो रही है। इंसान ही एक इंसान के बारे में इस तरह से जब बात करे तो बहुत ही पेनफुल एक इमोशन है, और हम शायद नहीं समझ सकते उन लोगों की पेन जो इस वक्त से जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। तो बस यही गुजारिश है आप तमाम लोगों से जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो इस मैसेज को प्रमोट करें कि लोगों को इस खतरनाक जर्नी से बचाया जाए, ह्यूमन स्मगलिंग से रोका जाए, और इसी के लिए माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर भी काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब मैं मजीद वक्त ना लेते हुए इस बात पर बात करना चाहूंगी कि हमारे जो लीगल पाथवेज हैं वो क्या है अब, और उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे आप इलीगल माइग्रेशन से बच सकते हैं। तो नंबर वन तो मैं आपको बता दी चलूं कि जो सबसे पहला जो एक लीगल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए है वो है वो तमाम पाकिस्तानीज के लिए है, उसमें सेमी स्किल्ड, स्किल्ड,
अनस्किल्ड, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए ये तमाम तर अपॉर्चुनिटीज बैरून मुल्क से आती हैं, और ये तमाम तर जो अपॉर्चुनिटीज आप थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली कंपनीज के साथ लिंक करके। और इसमें आप कुछ अपॉर्चुनिटीज, एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उनकी तरफ से जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जिनको OEPs कहा जाता है, जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनके पास तकरीबन गल्फ कंट्रीज की और अब तकरीबन यूरोप के कुछ ममालिक जिसमें रोमानिया, पुर्तगाल और पोलैंड की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो हम कमेंट्स में मेंशन भी कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आफ्टर दिस सेशन मेंशन कर देंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की गवर्नमेंट के इदारे की वेबसाइट है जिसपे अभी भी 2 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद हैं, और वो इन तमाम वर्कर्स के लिए हैं जो कि सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब फाइंड आउट करने में तो ब्यूरो की वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उनसे रब्ता करें। अगर आप अपना प्रोसेस खुद नहीं कर सकते तो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं लेकिन गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंसेस दिए हैं, गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस एंड इन द फॉर्म ऑफ परमिशन नंबर, कि जो भी जॉब आती हैं उनके पास वो एजेंसीज पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेती हैं, परमिशन नंबर जब उनको अलॉट होता है तो देन उनको इजाजत मिलती है कि वो एडवर्टाइज कर सकें, और वो एडवर्टाइज करते हैं मुख्तलिफ अखबारों में, सोशल मीडिया पे। तो अब आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप उनका परमिशन नंबर और लाइसेंस नंबर ब्यूरो की वेबसाइट से वेरीफाई करें, और आप नहीं कर सकते वेरीफाई तो आप हमें जस्ट कॉल करें, हमारा हॉटलाइन नंबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे वेरीफाई करा सकते हैं। और खुद वेरीफाई करने के लिए ब्यूरो की वेबसाइट मौजूद है, आप ब्यूरो की वेबसाइट से जाके वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है BEOE की, वो बहुत ही यूजफुल है तमाम यंगस्टर्स के लिए जो कि जॉब तलाश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और जो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है वो है OEC के नाम से, जिसको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन तमाम लोगों को बैरून मुल्क भेजती है और उन ममालिक में भेजती है जिनका पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ होता है, और उसमें साउथ कोरिया शामिल है, उसमें कुवैत शामिल है, उसमें अभी रिसेंटली जापान के साथ एग्रीमेंट हुआ है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ नीड बेसिस पे जॉब्स आती हैं और OEC की वेबसाइट पे आती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करूंगी कि OEC क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है तो उन्होंने ये बात मैंडेटरी की हुई है, और उन्होंने इसकी वो बहुत ज्यादा आगाही मुहिम भी चला रहे हैं कि अगर आप OEC की कोई भी एड देखें तो भी उसको OEC की वेबसाइट पर जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसे बहुत से जालसाज लोग हैं जो या एजेंट्स हैं जो OEC का नाम यूज करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और लोगों से पैसे लूट रहे हैं। तो जब भी आप OEC से रेलिवेंट कोई जॉब देख रहे हैं तो वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो OEC की है आप उसको विजिट करें, और उस पर अभी भी आप अगर जाएं तो इसी पर जो भी मौजूद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको देख सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मैं बात करूंगी एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है जिसको इमरान ने भी बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में स्किल शॉर्टेज हुई है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रॉपर उसका एक सिस्टम बनाया, एक मैकेनिज्म बनाया जो कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो अडॉप्ट करके ही आप बाहर जा सकते हैं। और वो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ अपनी स्किल शॉर्टेज लिस्ट बना दी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट निकाली है, जिन ऑक्यूपेशन की ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज हो गई है उस लिस्ट में वो तमाम ऑक्यूपेशन मौजूद हैं। फिर आपके पास UK की स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, फिर यूरोप की स्किल्ड ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट आपके पास मौजूद है। तो आपने देखना है कि अगर आप एलिजिबल हैं उन तमाम ऑक्यूपेशन के लिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जर्मनी ने अभी अपना स्किल्ड माइग्रेशन के लिए जो उसने प्रोग्राम शुरू किया है उसमें अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ भी उनकी लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है कि पाकिस्तान से वो मैन पावर लेके जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि आपको खुद को एलिजिबल बनाना है, आपको ऐसे कोर्सेस करने हैं, आपको ऐसी स्किल हासिल करनी है जिनकी यूरोपियन ममालिक में डिमांड है, और उन उन डिमांड्स को अगर आप पूरा करते हैं तो आप कम वक्त में वहाँ जा सकते हैं और आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये हम यूजुअली हर सेशन में तमाम लोगों को बताते हैं, क्योंकि
यूरोपियन कंट्रीज की एक प्रॉपर एक डिमांड सेट है. वो फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लम्बर को भी उन्होंने हायर करना है तो उसके लिए वो एक डिप्लोमा एक सर्टिफिकेशन मांगते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान में उसकी सर्टिफिकेशन आप ले लेते हैं तो वहाँ पर उसको मैच करना इक्विवेलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो लोग जो हैं जो मैं मेरी तो लोगों से यही गुजारिश होगी, मैं तो बार बार ये गुजारिश करती हूँ कि बजाय आप एजेंट को इतने लाखों रुपए देने से बेहतर है कि आप लाखों रुपए खुद पे इन्वेस्ट करें, स्किल हासिल करें जो उस मुल्क में डिमांड है और फिर आप माइग्रेट करें. तो यूरोपियन कंट्रीज में मैंने आपको जर्मनी का बताया है, यूके का बताया है और दीगर ममालिक हैं जिनमें जिनको स्किल माइग्रेंट्स की ज़रूरत है, तो अपनी स्किल को इनहांस करके आप इजीली जा सकते हैं. ये तमाम तर वेबसाइट्स जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट्स में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप उसको देख सकें और उस पर अप्लाई कर सकें. तो लीगल पाथवेज बहुत सारे हैं और पाकिस्तानियों के लिए हैं और हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि बहुत नामवर दुनिया की नामवर कंपनीज में जॉब्स कर रहे हैं और मैं और हम ऐसे बहुत से पाकिस्तानी इसको जानते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं और उन्होंने अपना सारा प्रोसेस खुद किया, उसमें कोई एजेंट की उन्होंने हेल्प नहीं ली, उन्होंने सारा कुछ खुद किया. तो आप भी कर सकते हैं. तमाम लोग जो समझते हैं, इंटरनेट को जानते हैं, जो स्किल रखते हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो कर सकते हैं. तो ये नहीं है कि आपको एजेंट का ही सहारा लेना है और जाली एजेंट का ही सहारा लेना है. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की. इमरान, आप भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करें. जी बिल्कुल मारिया, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हमारे पास चीज़ें सारी मौजूद हैं, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात जिसके ऊपर जो है वो हमारे लोगों को भी सोचना है और हम भी जोर देते हैं अपने सेशंस के दौरान और लोगों को जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप उसके क्राइटेरिया को मीट कर सकें और उनके जो रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा कर सकें. और स्किल्ड आपको होना पड़ेगा. स्किल होने के साथ साथ आपको, आप जिस भी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जहां भी जाना चाह रहे हैं उस मुल्क में के जो लोकल लैंग्वेज है उसका जो बेसिक लैंग्वेज कोर्स है वो भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको जॉब ढूंढने में, इंटरव्यू में और जो है वो वहां पे जाके काम करने में जो है वो आसानी हो. अब यहाँ पे हमारे ये भी एक मसला दरपेश है कि हमारे पास एक तो प्लेटफॉर्म्स की जो है वो मालूमात नहीं है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे लोगों को स्किल्ड जो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसका तरीका कार क्या है, उसके बारे में भी मालूमात नहीं है. तो जिस जो हम लोगों को जो है वो भी बताते हैं, आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे. स्किल के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो बहुत सारे इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को स्किल प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी चार्जेस, जो है वो मुफ्त जो है वो लोगों को हुनर की तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं. इसके अलावा जो है वो जिनके पास ऑलरेडी स्किल है लेकिन उन्होंने कहीं से कोर्स नहीं किया, कहीं गली मोहल्ले से जो है वो सीखा है और उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको सर्टिफिकेशन के लिए भी इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो उनको टेस्ट लेने के बाद जो है वो सर्टिफाई करते हैं, ताकि जो है वो लोग जो है वो अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वो उसको एज अ सर्टिफिकेट जो है वो इस्तेमाल कर सकें. तो सबसे ज़रूरी अमर यही है कि लोगों को खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त भी अगर जिस तरह आपने यूरोपियन कमीशन की बात की है कि यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट्स आती हैं उनमें जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी उस यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं. वो तकरीबन मिलियंस में वो जॉब्स मौजूद हैं जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए हैं, तो आप वहां से भी जॉब्स करें. लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक तो नंबर वन स्किल हो और दूसरे नंबर पे आपको उस मुल्क की जो लोकल लैंग्वेज है उसका जो बेसिक लैंग्वेज कोर्स है वो आपके पास हो, ताकि आप उनकी जुबान को समझ सकें, पढ़ सकें.
और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो हमारी जो सर्विसेज हैं जिसमें रेफरल की हमारी सर्विस है, हम रेफरल की सर्विस के जरिए कोई बंदा हमारे साथ रब्ता करता है स्किल हासिल करने के लिए या स्किल लेने के लिए, अगर उसको मालूमात नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के साथ रब्ता करें, हमारे काउंसलर्स जो है वो आपको मुतलका इदारे के साथ लिंक करवा देंगे जहाँ से आप स्किल हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आप जाके जो है वो फर्दर जो है वो अपने हुनर को निखार भी सकते हैं, सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। तो इसमें मजीद कुछ ऐड करना है हमारे आपको या हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलें? जी बिल्कुल इमरान, मैं चाहूंगी कि आप एमआरसी के रोल को जरा यहाँ पर हाईलाइट करें कि एमआरसी इसके लिए क्या काम कर रहा है और किस तरह से हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं और कैसे लोग हमारी सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकते हैं। मीनवाइल मैं कुछ क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं तब तक मैं वो पढ़ लेती हूँ, आप उसको रिस्पॉन्ड करें और फिर आफ्टर योर डिस्कशन हम तमाम जो क्वेश्चंस हमें रिसीव हो रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि आप हमारे साथ एंड तक रहें, हम आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो आफ्टर दिस डिस्कशन हम जरूर उनको जवाब देंगे। जी बिल्कुल, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को जो है वो पता है, लेकिन जो जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है या जो न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की रहनुमाई का मरकज है। जिस तरह जो है वो लोग ये समझते हैं कि जो भी बंदा बैरून मुल्क जाने की बात कर रहा है तो वो लोगों को बैरून मुल्क भेजता है, हालांकि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में हम किसी को बाहर भेजते नहीं हैं, बल्कि बाहर जाने के जितने भी मामलात हैं उन मामलात के बारे में मुस्तनद समझ में आने वाली जो है वो मुसद्दका जो मालूमात हैं वो फ्राहम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या प्रोसेस में हैं वो अपने लिए जो है वो बेहतर और मुफीद फैसला साजी कर सकें। तो उसमें जो है वो पहली हमारी जो सर्विस है वो काउंसलिंग की है जिसके अंदर हम मालूमात फ्राहम करते हैं। इसके साथ साथ अगर बैरून मुल्क के हवाले से किसी को किसी भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है, मिसाल के तौर पर अगर आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या आपको वीज़ा स्टिकर आपको मिलता है आप उसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं या आप किसी जॉब ऑफर लेटर की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं या कोई भी एड आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं या किसी एजेंसी की तरफ देखते की तरफ से अखबारात में देखते हैं आप उस एजेंसी की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं या जो है वो आप उस एडवर्टाइजमेंट की वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर से राबता कर सकते हैं कि हमारे काउंसलर्स मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM जो है वो मुतलका इदारों से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन भी करवा के दे देंगे। सबसे जो अहम और जरूरी जो है आज के टॉपिक के हवाले से भी जो है वो हमारी सर्विस है वो है रेफरल की, जिसमें हम अगर कोई बंदा हुनर सीखना चाहता है और किसी हुनर सिखाने वाले इदारे के बारे में मालूमात लेना चाहता है तो वो भी हमारा साथ रहा कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी बंदे को बैरून मुल्क चला गया है या जाने के प्रोसेस के दौरान किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत का सामना है या कोई मसला दरपेश है तो वो भी हमारे साथ रहा कर सकता है। हम उसकी शिकायत को डायरेक्ट को हल नहीं करेंगे लेकिन हम अपने रेफरल मेकनिज़म के जरिए जो है उसकी शिकायत की नोयत को देखते हुए जो है या उसकी ज़रूरत की नोयत को देखते हुए उसको मुतलका इदारे के साथ लिंक करवा देंगे ताकि उसके मुश्किल या परेशानी को या उसके मसले को जो है वो हल किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे थर्ड है वो आउटरीच है, जिसमें हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है वो हम लोगों को जो है वो मालूमात फ्राहम करते हैं, लीगल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, लीगल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, लीगल तरीकाकार के बारे में बताते हैं, इसके साथ साथ गैर कानूनी तरीकाकार में दरपेश मसाइल खतरात और नताइज के बारे में आगाही भी फ्राहम करते हैं ताकि लोगों के पास मालूमात हों और वो फैसला साजी करते हुए अपने लिए वाजिया और साफ और मुफीद फैसला करें और वो किसी भी ऐसे तरीकाकार को अडॉप्ट ना करें जिसकी वजह से कल को उनको या उनके खानदान के लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े या किसी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि गैर कानूनी तरीकाकार हमेशा से जानलेवा और खतरनाक रहा है और इस तरीकाकार में सिर्फ दरपेश मसाइल और खतरात ही हैं और इसके नतायज जो है वो बहुत संगीन है, क्योंकि गैर कानूनी तरीकाकार से किसी भी सरहद किसी भी मुल्क की सरहद को क्रॉस करना एक कानूनन जुर्म है जिसके बारे में हम लोगों को मुकम्मल आगाही फराहम करते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में
हमने जो माइग्रेशन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, झेलम है, मंडी बहाउद्दीन है, इसके अलावा केपी में एबटाबाद है, मरदान है, मालाकंड है। हमने इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए लोगों तक आगाही फराहम की है, मुख्तलिफ आउटरीच सेशंस के जरिए जो है वो हमने जो है वो आगाही फराहम की है। इसके अलावा वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जो है वो हमने लोगों तक अप्रोच किया है और लोगों को कानूनी तरीकाकार तरीका सफ़र के बारे में जो है वो मालूमात फराहम की और गैर कानूनी तरीकाकार में दरपेश मसाइल, खतरात और नतज के बारे में आगाही फराहम की है, ताकि जो भी बंदा बैरून मुल्क जाना चाहता है पाकिस्तान से और जो भी पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क का सफर करने का इरादा रखता है, खा वो तालीम के लिए जाना चाहता है, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जाना चाहता है, काम करने की गर्ज से या रहाइश की गर्ज से जाना चाहता है, तो वो सबसे पहले जो है वो अपने लिए मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करे और इकट्ठी करने के बाद फिर वो फैसला करे कि उसके लिए कौन सा फैसला बेहतर है और वो गैर कानूनी तरीकाकार हरगिज हरगिज अडॉप्ट ना करे, ताकि कल को वो खुद भी महफूज रहे, उसके खानदान के लोग भी महफूज रहे, उसका जानो माल भी महफूज रहे और उसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम भी महफूज रहे। क्योंकि जो भी बंदा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से सफर करने का करता है या बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाता है और वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो है वो जुर्म कर रहा होता है। तो इसलिए जो है वो इस काम से जो है वो परहेज करना है और लोगों को हम यही बताते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो लीगल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लीगल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको अपनी कैपेसिटी जो है वो उसको बढ़ाना है और उसके मुताबिक जो है वो अपने हुनर को जो है वो पॉलिश करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से और बाइज्जत तरीके से जो है वो सफर कर सकें। चलो, थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने काफ़ी डिटेल में बताया IMRC का रोल। अब हम जो हमारे सेशन में रवायत है कि आप सबसे पहले तो आप चेक करें कि उनके वो रजिस्टर्ड हैं एजेंसी गवर्नमेंट से या नहीं। तो अगर तो वो रजिस्टर्ड एजेंसी है तो उनके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि वो उनके मुख्तलिफ एजेंसीज के मुख्तलिफ OIBs के मुख्तलिफ उनके सर्विस चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। ये वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप OEC के बारे में पूछते हैं जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है जो कि गवर्नमेंट का वाहिद अदारा है, तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट के ऊपर तमाम तर जो वो अखराजात उस पर मुलविस होते हैं आपकी नौकरी से मुतल्लिक, OEC ने अपनी वेबसाइट पर इवन अपनी एडवर्टाइजमेंट पे वो मेंशन करते हैं। तो आप लोग अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप OEC के जरिए जाते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कितनी क्या आपसे उस पे अखराजात आपके आते हैं। दूसरी तरफ आप OEP के पास जाते हैं तो आप उनसे खुद डिस्कस कर सकते हैं कि जी कितने लीगली चार्जेस आते हैं। लेकिन मैं ये आपको जरूर जेनेरिकली बताऊंगी कि जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन एक है कि लीगल माइग्रेशन महंगी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलीगल माइग्रेशन बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें सबसे कीमती चीज आपकी जिंदगी है। पर लीगल माइग्रेशन में जाहिरी बात है कि वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी से आप अपनी उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो वो नॉमिनल उनके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसमें अभी तक मुख्तस नहीं है कि इतनी अमाउंट आप देनी है और इतनी नहीं देनी है। इसके साथ साथ एक और सवाल इसमें है स्टैन गिल के जानब से कि अगर एक पर्सन ने ये ठान ही ली है और कि उसने बैरून मुल्क जाना है और यूरोप ही जाना है तो और उसने इरादा कर लिया है, तरह से जा सकता है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर हाईलाइट करें। तो ये उनका आई थिंक कमेंट भी है और सवाल भी इसमें शामिल है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूंगी। आप भी
काम करें जिसकी रियलिटी भी है। तो आज यही मार एक गया था इस सेक्टर जो का इंटरनेट जी। अब जी जी आई मारिया, थिंक मेरा मैं आपकी कनेक्शन बात चुका। को कंटिन्यू कर जी, वो उसमें प्रॉब्लम आ गया था, तो जो जो क्वेश्चन था वो आपका, आप उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वोकेशन टीवेट इंस्टीट्यूट्स के मुतल्लिक, तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अभी आप ऑप्शन जो है वो उनका कर रही थी रिस्पॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू इमरान। बेसिकली मैं यही जिक्र आपसे कर रही थी कि जो एक सिस्टम बनाया गया है किसी भी कंट्री ने अपने मुल्क में नौकरी के ऊपर आने के लिए, आप पहले उसको समझें, आप देखें कि उनको किन किन वर्कर्स की ज़रूरत है और उस एलिजिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करें। अगर उन्होंने कहा है कि हमें बैरून मुल्क में डिमांड है तो उनको इतने आईटी वर्कर्स चाहिए हैं या उनको इस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए हैं, एक स्किल सेट के लोग उनको चाहिए हैं, तो आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं एजेंट को पैसे दे के बैरून मुल्क सेटल हो जाऊंगा, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है, ये इसमें रियलिटी नहीं है। अगर आपको एजेंट इस बात पे मुतमईन करवा रहा है कि ठीक है जी, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप बैरून मुल्क जाके सेटल हो जाएंगे, फिर चाहे आप लैंड रूट से जाएं, सी रूट से जाएं, एयर रूट से जाएं, कोई रूट भी आप ले लें इलीगल माइग्रेशन का, वहां जाके आप सेटल नहीं हो सकते, वहां पे आपको मुश्किलात ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर आप जिंदा सही सलामत पहुंच जाते हैं तो। तो इसलिए मेरा फिर वही, मैं इस बात को दोबारा हाईलाइट करूंगी कि आप खुद पर इन्वेस्ट करें, और खुद की इन्वेस्टमेंट आपकी तालीम, आपकी स्किल सेट और आपकी आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है। इससे आपको खुद को भी फायदा पहुंचेगा और आप कम वक्त में अच्छा अर्न कर सकते हैं, खुद का नाम भी रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो ये मेरा रिस्पॉन्स था इस पर। बाकी इमरान, आप क्वेश्चन एक पर्सन का करना चाह रहे थे तो प्लीज उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू। आई थिंक मारिया का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, और मारिया ने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर दिया। अभी जो हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में जो है वो हमें पूछा है शमशाद चौहान ने, तो कि उन्होंने इंटरमीडिएट किया है और कौन से कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में टीवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इदारे मौजूद हैं जिसमें 70 के करीब जो है वो ट्रेड्स के अंदर जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तालीम दी जाती है और तरबियत दी जाती है। और आप जो है वो जिस मुल्क में जाना चाहते हैं, जिस तरह मारिया ने पहले आपको बताया कि वहाँ की जो ऑक्यूपेशनल लिस्ट है वो मौजूद है, जिसके अंडर जो है वो कौन कौन सी जॉब्स मौजूद हैं, आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और वहाँ की जरूरत को देखते हुए जो है वो कोई भी कोर्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और इस वक्त तकरीबन 70 से ज्यादा ट्रेड्स हैं जो मौजूद हैं, मुख्तलिफ PVDC के इंस्टीट्यूट्स हैं, टेपटा के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेपटेक के अंदर, PSTF के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं। तो ये आप मुतलका जहाँ जो आपके नज़दीक तीन टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके उनके प्रॉस्पेक्टस लेके उसके ऊपर देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल जो है वो इंस्टीट्यूट के हवाले से, इंस्टीट्यूशन के हवाले से देखें, तो वो तकरीबन 70 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर लोगों को तरबियत फराहम की जाती है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें शेयर की है, और हमें क्वेश्चंस आते जा रहे हैं लेकिन हमारा जो सेशन का टाइम है तकरीबन वो ख़त्म होने को है, और हम चाहेंगे कि इसको हम कंक्लूड करें। मजीद जो जिन तमाम लोगों के सवालात हैं उनके लिए हमारी जो हॉटलाइन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, और या आप हमारे फेसबुक पे हमें कमेंट के थ्रू या मैसेंजर पे मैसेज करके अपने जो सवालात हैं वो भेज सकते हैं, डेफिनेटली हम उनका ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे वन बाय वन। और कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो आने वाले सेशंस हैं वो आप
तमाम क्वेश्चंस हमें लेके भेजें, हम उनको तमाम उन तमाम क्वेश्चंस पे FAQ एक सेशन रखेंगे जिसपे आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आज के सेशन में, आज के सेशन में अख्ताम में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगी कि जिस इशू को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो आपके लिए है, उसमें यही एक मैसेज है कि माइग्रेट अगर आपने करना है तो ज़रूर करें, लेकिन लीगल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ करें, इलीगल अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ऑप्ट करें, बहुत ख़तरनाक हैं और वहाँ पहुँच कर भी आप महफूज नहीं हैं। तो यही मेरा एक मैसेज है और उन तमाम लोगों के लिए ये मैसेज है जो भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अपना मुल्क छोड़कर अगर जा रहा है तो वो एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए जा रहा है। तो उसको बेहतर बनाने का रास्ता आप गलत चूज़ ना करें, अगर आप रास्ता सही चूज़ करेंगे तो आप जल्द और एक अच्छे कम वक्त में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका रास्ता ही आपने गलत चूज़ कर लिया तो फिर आप भटक जाएंगे, और भटक जब आप भटक जाते हैं तो फिर मंजिल तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। तो यही मेरा मैसेज है तमाम लोगों के लिए, और यही मैं कहना चाहूँगी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर आपके लिए काम कर रहा है। आप हम तमाम काउंसलर्स बड़ा डाई हार्टेडली इसमें काम कर रहे हैं, बड़े दिल से काम कर रहे हैं, हमारे इमोशंस इसमें अटैच हैं, बहुत ही इसमें हम दिल लगाकर काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं कि आप लोगों को महफूज बना सकें, महफूज कर सकें, आप लोगों को बचा सकें इस ह्यूमन स्मगलिंग से, इस इलीगल माइग्रेशन से। और आप लोग जितना मालूमात, जो मालूमात आपको बैरून मुल्क जाने के वाले से चाहिए, हम लोग अवेलेबल हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 5 के दरमियान आप ऑफिस आ सकते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद। आप हमें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं इसी बात पे अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करूँगी और इमरान से गुजारिश करूँगी कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें और सेशन का अख्ताम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मारिया, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और उसमें आपने हमारे लोगों को गाइड भी किया और व्यूअर्स को बताया भी। और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, मैं एंड पे यही बताऊँ, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, किसी मद में किसी लेवल पे कोई चार्जेस नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ जो बंदा हमारे पास सिर्फ चल के आए तो हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि अगर किसी भी बंदे को किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात बैरून मुल्क के हवाले से चाहिए तो हमारा हॉटलाइन नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन ट्विटर अकाउंट है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03000001617। मारिया, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो काइंडली स्क्रीन पे अगर आप जो है वो टिकर में चला दें, व्हाट्सएप नंबर है 03000001617। आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM। और आखिरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जितनी भी मालूमात आज हमने जो है वो फ्राहम की हैं, ये इससे पहले हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, ये जितनी भी मालूमात हैं, ये सिर्फ आप अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि हर बंदे के साथ को 20, 50, 100 लोग जुड़े हुए हैं, आप अपने हलका अहबाब में अपने जानने वालों तक ये तमाम बातें पहुंचाएं, ताकि आपके जरिए एक तो ये मैसेज जो है वो ज्यादातर लोगों तक जो है वो पहुंच सके और ज्यादा लोग जो है वो इन बातों से महफूज हो सके। बाकी मजीद इंशाल्लाह आपके सवालात के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो है वो अगली दफा नए लाइव सेशन में आपके पास हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।